बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। और इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। और ये लेक्चर जो है वो एक्सरसाइज 11.2 की का थर्ड पार्ट है, ठीक है, यानी कि पार्ट नंबर 3 है। यानी कि इससे पहले दो लेक्चर जो हैं वो इस पर कवर हो चुके हैं। तो ये तीसरा लेक्चर है इस एक्सरसाइज के ऊपर और ये लास्ट लेक्चर है इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी, ठीक है। तो पहला लेक्चर में हमने पहला क्वेश्चन कवर किया, उसके बाद इस एक्सरसाइज के पिछले लेक्चर में यानी कि जो इस एक्सरसाइज का दूसरा लेक्चर था उसमें हमने दूसरा क्वेश्चन कवर किया। और अब हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है हमें? थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली, यानी कि हमें इक्वेशंस गिवन है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, उसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। पहले तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को और तरह से सॉल्व करते थे, ठीक है, उनका मेथड और होता था। अब हमें कहा गया कि आपने ग्राफिकली उसको सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो अब हम इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट मैं पहले लिखता हूँ। पहले पार्ट में हमें इक्वेशन जो गिवन है वो है साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये हमें इक्वेशन गिवन है, ठीक है। और इसके साथ हमें इंटरवल भी गिवन है थीटा का, एक्स बिलोंग्स टू यानी कि एंगल का, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाए। एंगल का इंटरवल भी हमें दे दिया कि जीरो से पाए तक है। उसके अलावा हमें इक्वेशन गिवन है साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसको हमने सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। और सॉल्व कैसे करेंगे? ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी कि हम इसके ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आप देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है? इस इक्वेशन में आपको दो फंक्शंस नज़र आ रहे हैं। लेफ्ट साइड पे एक फंक्शन है और राइट साइड पे भी एक फंक्शन है। लेफ्ट साइड पे कौन सा फंक्शन है? साइन एक्स का फंक्शन है। और राइट साइड पे आपको कॉस एक्स का फंक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों फंक्शंस को हम ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे, सेम एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, जिस तरह से पिछले जो लेक्चर में हमने पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि हमें दो फंक्शंस गिवन थे, ठीक है, हमने उसको सेम एक्सिस पे ड्रॉ किया, सेम स्केल पे ड्रॉ किया, ठीक है। इसमें भी वही केस है, हम सेम एक्सेस यूज़ करेंगे और सेम ही स्केल यूज़ करेंगे और इन दोनों फंक्शंस को हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या बनता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक तो एंगल चाहिए, ठीक है, और इंटरवल हमें बता दिया गया है कि जीरो से पाए आपने लेना है, तो हम जीरो से पाए तक ले लेते हैं। एक्स के लिए सबसे पहले जीरो, उसके बाद पाए बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स के बाद पाई बाय थ्री, उसके बाद पाई बाय टू, और उसके बाद टू पाई बाय थ्री, और फाइव पाई बाय सिक्स, और उसके साथ पाई, ठीक है। तो ये हमने ले लिए एंगल्स। अब हमने इन एंगल्स पे हमारे जो गिवन फंक्शंस हैं दोनों उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है पहले, तो ठीक है, ताकि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले साइन एक्स की वैल्यूज लिख लेते हैं। वाई इज इक्वल टू साइन एक्स आप कर लें, ठीक है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, क्योंकि हमने इसको वाई एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यूज को ड्रॉ करना है ना साइन एक्स की, तो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स मैंने इसलिए लिख लिया। अच्छा, तो ज़ीरो पे साइन एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है, पाई बाय सिक्स पे 0.5 होती है, पाई बाय थ्री पे 0.87 होती है, पाई बाय टू पे 1, और इसी तरह से 2 पाई बाय थ्री पे 0.87, और 5 पाई बाय सिक्स पे 0.5, और पाई पे 0, ठीक है। ये तो हमने साइन एक्स की वैल्यूज लिख ली गिवन एंगल, यानी कि जो हमें इंटरवल बताया था उस पर, ठीक है। अब हम आते हैं जो राइट साइड का फंक्शन है हमारे पास कॉस एक्स, उसकी वैल्यूज भी लिख लेते हैं। वाई इज इक्वल टू मैं लिखूंगा कॉस एक्स, क्योंकि इसको भी हमने इसकी वैल्यूज को भी हमने वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट करना है, ठीक है। तो कॉस एक्स की वैल्यू जो है
वो 0 डिग्री पे क्या होगी, कॉस 0 क्या होगा, 1 होता है। कॉस 5/6 यानी कि कॉस ऑफ 30 डिग्रीज किसके इक्वल होती है, 0.87 के। ये भी आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा पाई बाय 3 पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0.5, और पाई बाय 2 पे 0 हो जाती है, 2 पाई बाय 3 पे -0.5 हो जाती है, और 5 पाई बाय 6 पे -0.87 होती है, और पाई पे -1 होती है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, दोनों जो हमारे पास फंक्शंस की बने उसकी हमने वैल्यूज़ लिख ली हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा हम जो एक्सेस बना लेते हैं, उसके बाद हम इनको प्लॉट आउट कर देंगे वहाँ पे, और फिर इनका ग्राफ्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं साइन एक्स को प्लॉट करूँगा, उससे पहले हम एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस के लिए वर्टिकल लाइन, एक्स एक्सिस के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इनको मैं थोड़ा स्ट्रेट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास जो ग्राफ है वो थोड़ा बेहतर बन जाए। ठीक है, ये वर्टिकल हो गया, इसी तरह से इसको हम हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस हो गया। अच्छा, अब हम इस पे प्लॉट्स जो हैं यानी कि एंगल्स को प्लॉट कर लेते हैं, मतलब कि एंगल को पॉइंट आउट कर देते हैं, एंगल्स कहाँ कहाँ पर हैं। एक 0 यहाँ पर आ गया, उसके बाद पाई बाय सिक्स यहाँ पर आ गया, पाई बाय सिक्स के बाद पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्रीज, उसके बाद पाई बाय टू, और पाई बाय टू के बाद 2 पाई बाय 3 है, 2 पाई बाय 3, और नेक्स्ट वन 5 पाई बाय 6 है, 5 पाई बाय 6, और नेक्स्ट वन पाई है, पाई पे ये यहाँ पर, यानी कि सेम हमने डिस्टेंस रखा है। ठीक है, और हमने पॉइंट आउट कर दिए हैं एंगल्स कहाँ कहाँ पर कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद वाई एक्सिस पे भी हम जो वैल्यूज़ हैं फंक्शन की उसकी रेंज को हम आइडेंटिफाई कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक क्या रेंज आएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम हमारे पास देखें तो 1 आ रही है, और मिनिमम हमारे पास 0 आ रही है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इसको हम 1 कह देते हैं। ठीक है, और इसके मिड में जाके हम कह देते हैं कि ये 0.5 है, 0.5, और इसके भी तकरीबन 0.9 यहाँ पर आएगा, तो उससे थोड़ा सा नीचे 0.87 हो जाएगा, 0.87 हो जाएगा, और फिर इसी तरह से नेगेटिव साइड पे आते हैं, यहाँ पर करके -1 आ जाएगा, और इसके भी मिड में हमारे पास -0.5 आ जाएगा, और यहाँ करके तकरीबन जो है 0.-0.87 आप कह सकते हैं उसको, -0.87 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आए हुए हैं यानी कि हमारे पास जो टेबल बना हुआ है, इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ ताकि एक टेबल की फॉर्म बन जाए। ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल आ चुका है। अब हमने पहले तो साइन एक्स का जो है ना उसको हम ड्रॉ करते हैं पहले, यानी कि ये साइन एक्स की वैल्यूज़ यहाँ यहाँ तक है, तो एंगल के रेस्पेक्टिव हम उसकी वैल्यूज़ को ड्रॉ कर लेते हैं। तो 0 पे 0 वैल्यू है, 0 पे ये 0 आ गई। ठीक है, इस तरह से हम कह देते हैं 0 पे 0 वैल्यू है, और पाई बाय 6 पे 0.5 है, पाई बाय 6 ये है, और 0.5 यहाँ पर है, ये होगी पाई बाय 6 पे 0.5। उसी तरह से पाई बाय 3 पे 0.87 है, पाई बाय 3 ये है, और इससे वर्टिकली हम ऊपर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 0.87। ठीक है, तो
पाई बाय 3 के बाद पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 पे 1 वैल्यू है, ये पाई बाय 2 और इस पे हम 1 पे आ जाते हैं, ये पाई बाय 2 पे हमने 1 पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद 2 पाई बाय 3 है, 2 पाई बाय 3 पे हमारे पास 0.87 वैल्यू है, 2 पाई बाय 3 पे हमारे पास यहाँ पर मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, ये हमारे पास 0.87 है, ठीक है। इसी तरह से 5 पाई बाय 6 है, उस पर हमारे पास 0.5 वैल्यू है किसकी, साइन एक्स की, क्योंकि हम साइन एक्स को ड्रॉ कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्टिकली हम ऊपर आएंगे तो हमारे पास ये 5 पाई बाय 6 पे 0.5 है, और पाई पे हमारे पास क्या है, पाई पे दोबारा से 0 हो जाती है। तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं और हमारे पास ग्राफ आ जाएगा साइन एक्स का, ठीक है। तो इसको मैं पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ और इस तरह से ये हमारे पास एक ग्राफ आ चुका है, ये हमारे पास साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आ चुका है, ठीक है। अब हम वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स को अब हम ड्रॉ करेंगे, वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स के लिए जीरो पे क्या वैल्यू है, 0 पे 1 वैल्यू है, अब बल्कि हाँ 0 पे 1 है, तो हम इसको ऐसा करते हैं डिफरेंट कलर से करते हैं, ये 0 पे 1 वैल्यू है, ये है 0 पे 1। उसके बाद क्या है, पाई बाय 6 पे 0.87 है, पाई बाय 6 ये, और इससे वर्टिकली ऊपर जाएंगे तो 0.87, ठीक है। इस तरह से पाई बाय 3 पे 0.5 है, पाई बाय 3 ये है और 0.5 यहाँ पर है। अच्छा उसके बाद क्या है, पाई बाय 2 पे 0 है, ये पाई बाय 2 और इस पे हम 0 पॉइंट आउट कर देते हैं। अच्छा उसके बाद पाई बाय 2 तो हो गया, पाई बाय 2 के बाद है 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 पे हमारे पास माइनस 0.5 है, यानी कि नेगेटिव साइड पे आ जाएगा नीचे, माइनस 0.5 यहाँ पर है, यहाँ पर करके आ जाएगा, ठीक है, माइनस 0.5। उसके बाद 5 पाई बाय 6 पे माइनस 0.87 है, 5 पाई बाय 6 ये है और माइनस 0.87 ये है, ठीक है। और पाई पे माइनस 1 है, पाई पे माइनस 1 ये माइनस 1 आ गया। अब इसको भी हमने ज्वाइन करना है तो मैं इस कलर से ब्लू से ही ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको हमने ज्वाइन करना है तो हमारे पास इस तरह से ये ग्राफ बन रहा है, बल्कि नहीं मैं तो ये ज़ीरो से उठा रहा हूँ, बल्कि इस पे ज़ीरो पे क्या वैल्यू थी, ज़ीरो पे वैल्यू थी इसकी 1, ठीक है। तो यहाँ से ये ग्राफ आएगा, यहाँ 1 से स्टार्ट होगा और यूँ इसको ज्वाइन करते जाएंगे तो हमारे पास ये ग्राफ बन रहा है, इस तरह से ये ग्राफ आ रहा है, ठीक है। यानी कि तकरीबन तकरीबन इस तरह से आता है, यूँ फिर जाता है, ठीक है। आप ग्राफ पेपर पर ड्रा करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा ग्राफ आएगा। तो ये हमारे पास आ चुका है ग्राफ, एक तो ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो अभी हमने बनाया, वो y इज इक्वल टू कॉज एक्स का। अब इसका जो है हमारे पास सोल्यूशन क्या आया, सोल्यूशन आप देखें जहाँ पर ये ग्राफ कट कर रहा है, यानी कि दोनों ग्राफ्स आपस में कट कर रहे हैं, वो इसका सोल्यूशन है, ठीक है, वो पॉइंट इसका सोल्यूशन है। तो वो पॉइंट क्या बनता है, पाई बाय 6 और पाई बाय 3 के दरमियान, पाई बाय 6 और पाई बाय 3 के दरमियान क्या पॉइंट है, पाई बाय 6 और पाई बाय 3 को हाफ करें, यानी कि पाई बाय 6 और पाई बाय 3 के दरमियान में, यानी कि 30 और 60 के दरमियान में कौन सा पॉइंट आता है, पाई बाय 4, यानी कि 45 डिग्रीज, ठीक है। तो ये ऐसा पॉइंट है ये वाला, इसको मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट इसका सोल्यूशन है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है,
ठीक है, तो इस पे आप देखें ये बिल्कुल मिड में आता है पाई बाय सिक्स और पाई बाय थ्री के, तो इसको कहा जाता है पाई बाय फोर। आप अगर वैल्यूज़ भी देखें दोनों की, यानी कि एक हमारे पास फंक्शन कौन सा है कॉस एक्स है, दूसरा हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है, तो दोनों फंक्शंस की आप अगर वैल्यूज़ देखें डिफरेंट एंगल्स पे, बाकी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, लेकिन पाई बाय फोर पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन आप वैसे भी देख सकते हैं, लेकिन उसने कहा था कि हमें ग्राफिकली इसका सोल्यूशन चाहिए, तो ग्राफिकली भी हमने देख लिया। यहाँ पर ये दोनों जो हैं कट कर रही हैं, मतलब के पाई बाय फोर पे, पाई बाय फोर तो एंगल की वैल्यू है, लेकिन हमने इसका सोल्यूशन में फंक्शन की वैल्यू लिखनी है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है पाई बाय फोर पे, साइन एक्स की भी और कॉस एक्स की भी 1/√2 होती है, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे के द टू कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें ना, तो हम लिख देते हैं इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पे कर रहे हैं, वेयर एंगल यानी कि एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर है, ठीक है, और द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज कर्व्स, यानी कि दोनों कर्व्स की, ऑफ दीज कर्व्स इज 1/√2, ठीक है, यानी कि दोनों पॉइंट दोनों कर्व्स की जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है 1/√2, यहाँ पर वैल्यू जो है वो 1/√2, यहाँ से इस तरह आप कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर आती है 1/√2 आती है, ठीक है। तो और एंगल यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे पाई बाय फोर है, वो भी मैंने मेंशन कर दिया कि इस पॉइंट पे जो एक्स है वो पाई बाय फोर है और वैल्यू जो है वो 1/√2 है, तो इसका सोल्यूशन जो है वो 1/√2 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से सेकेंड जो इसका पार्ट है पार्ट नंबर टू, उसमें भी हमें एक इक्वेशन गिवन है साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमें एक इक्वेशन गिवन है, तो हमने जो है इसको भी सॉल्व करना है, हमें कहा गया ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो आप एक तो एंगल लेंगे, ठीक है, एक्स, और हमें इंटरवल दिया 0 से पाई के दरमियान, ठीक है, पाई बाय एक तो पहले लेंगे 0 लेंगे, उसके बाद पाई बाय 6 लेंगे, फिर पाई बाय 3 लेंगे, फिर पाई बाय 2 आएगा, ठीक है, पाई बाय 2 के बाद आप 2π/3 लेंगे, और उसके बाद 5π/6 लेंगे, और फिर पाई लेंगे, उसके बाद ये तो एक्स हो गया, फिर उसके बाद आप फंक्शन लेंगे वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, जो गिवन फंक्शन है आपका 0 पर क्या वैल्यू है पाई बाय 6, यानी कि इन सब एंगल्स पे उनकी क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, उसके बाद वो वैल्यूज़ लिखेंगे, ठीक है। आपने अब इसमें ड्रॉ क्या करना है, ड्रॉ आपने लेफ्ट साइड के लिए आपने ड्रॉ करना है साइन एक्स को, ठीक है, साइन एक्स को ड्रॉ करना है आपने लेफ्ट साइड के लिए, और राइट साइड के लिए आपने एक्स को ड्रॉ करना है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी कि आप इसको कह सकते हैं ये है वाई इज इक्वल टू एक्स, और ये क्या है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो इस तरह से तकरीबन ग्राफ आपके पास आएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स के लिए स्ट्रेट लाइन आएगी, और वाई इज इक्वल टू साइन एक्स आपने पिछले यानी कि उसमें देखा है कि वाई इज इक्वल टू साइन एक्स 0 से पाई के लिए इस तरह से होता है, ठीक है, 0 से पाई के लिए, तो आपके पास ये वाई इज इक्वल टू साइन एक्स आ जाएगा साइन एक्स, और ये वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, तो ये कहाँ पर मीट कर रहे हैं, एक तो 0 पे, ठीक है, और एक अप्रॉक्सीमेट पॉइंट होता है, लेकिन हम इसका जो है सोल्यूशन 0 लेंगे, ठीक है, 0 पे ये एक दूसरे को मीट करेंगे, जहाँ यानी कि दोनों ग्राफ्स जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं ये मीट कर रहे होते हैं, तो उसको कहा जाता है वो इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों को एग्जैक्टली ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करके देखिए, जहाँ पर दोनों जो ग्राफ्स हैं एक वाई इज इक्वल टू एक्स और एक वाई इज इक्वल टू साइन एक्स के लिए जो एक दूसरे को मीट कर रहे होंगे, ड्रॉ करके देखें तो वो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, और वही इंटरसेक्शन पॉइंट इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये था क्वेश्चन नंबर 3।
एक्सरसाइज 11.2 का, ठीक है। एक पार्ट तो मैंने सॉल्व कर दिया आपके सामने और दूसरा आपको मैंने समझा दिया, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे दिया। तो ये दोनों पार्ट्स आप खुद से दोबारा से सॉल्व कीजिए, ठीक है। कोई मसला होता है या कोई भी इसमें आपको समझ नहीं आई पॉइंट, वो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे, और मैं इंशाल्लाह उसको क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है और ये चैप्टर 11 भी ख़त्म होता है। तो ये लास्ट लेक्चर था इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का, और नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।